कहते हैं किस्मत उस सुनहरी चिड़िया का नाम है जो इंसान को चंद पलों में ही राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की कुवत रखती है। और हकीकत में भी देखा जाए तो अगर किस्मत हो तो इंसान मौत तक को चुगट तक से वापस आ सकता है। खुशकिस्मत लोगों से जुड़े कुछ इसी प्रकार के वाक्य दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 6 पार्ट्स बनाए। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं लकीएस्ट पीपल कॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट 7। जनवरी 2021 के दौरान सऊदी अरब के जेदा शहर में चल रही डाकर रैली रेसिंग के दौरान ये वाक्य देखने को मिला। वायु की रेस के दौरान रशियन मूल के सिबा लो एंटोन अपने ट्रक के साथ ऑफ रोडिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए उनके ठीक ऊपर एक कैमरामैन का हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था। अब रास्ता कच्चा था तो खड्डे भी होना खूब लाजमी है। ऐसे में सिबा लो का ट्रक रास्ते में आए एक बम के ऊपर से निकला, लेकिन ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही करीब होने के चलते ये ट्रक उससे टकरा गया। लेकिन सिबा लो और ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों की किस्मत तो देखिए। हेलीकॉप्टर टकराने के बावजूद भी ट्रक से बस कैरियर का एक टुकड़ा टूटा और दोनों ने वापस अपना संतुलन बना लिया। खैर यहाँ बात जरा भी इधर उधर होती तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था आप अंदेशा लगा ही सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि ट्रक से हेलीकॉप्टर टकराने के बावजूद भी सिबा लो ने धैर्य नहीं खोया और रेस में दूसरे पायदान पर जीत हासिल की। 4 सितंबर 2021 के दौरान न्यू जर्सी में स्थित क्रैनफोर्ड कस्बे में यह वाकया देखने को मिला। वायुओं की शहर में हो रही भयानक बारिश के चलते मार्लोन वैले नामक एक व्यक्ति का घर पानी से भर गया और घर के बाहर हालात पहले से ही बाढ़ जैसे बन चुके थे। ऐसे में मार्लोन और उनका परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर निकल गए, लेकिन मार्लोन का एक बेटा अभी भी घर के बेसमेंट में मौजूद था। अब जनाब की किस्मत तो देखिए, वो जैसे ही बेसमेंट से निकलकर ऊपर पहुंचा वैसे ही दीवार पर पानी का दबाव बढ़ने के चलते दीवार टूट गई और पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया। ये नज़ारा देखकर तो लगता है कि मानो मार्लोन के घर की दीवार भी उनकी बेटी के बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। अगस्त 2019 के दौरान इटली मूल की एलिना स्कियरा नामक एक लड़की अपने दोस्तों के साथ इटली के स्ट्रोम्बोली आइलैंड के पास घूमने के लिए गई। जानकारी के लिए बता दें कि इटली के स्ट्रोम्बोली आइलैंड पर इटली के मात्र 3 एक्टिव वोल्केनो में से एक वोल्केनो भी मौजूद है। ये वोल्केनो बिना चेतावनी के कभी भी किसी समय फट सकता है। ऐसे में आइलैंड के आसपास घूमना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बताया जाता, लेकिन एलिना और उसके दोस्तों ने यहाँ जबरन जाने की कोशिश की और यहाँ जाने के बाद वही हुआ जिसका यहाँ सबसे बड़ा खतरा रहता है। एलिना और उसके दोस्तों की बोट यहाँ पहुँचते ही ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया। ज्वालामुखी फटने से अचानक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि माना समुद्र में कोई परमाणु बम छोड़ा गया हो। लेकिन एलिना और उसके दोस्तों की खुशकिस्मती से कोई भी वोल्केनो की चपेट में नहीं आया और जैसे जैसे लावा आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वे भी सुरक्षित दूरी पर पहुँचते गए। उनकी बोट वोल्केनो से कितनी दूरी पर थी इस बात का अनुमान आप उनकी बोट पर आए राख से लगा ही सकते हैं। यहाँ अगर एलिना और उनके दोस्तों को जरा भी देरी होती तो उनके शरीर भी राख में बदलने में चंद सेकंड्स का ही समय लगता। ग्राइंडर तथा इस तरह के अन्य धारदार उपकरण चलाते समय होने वाले दुर्घटनाओं से तो आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे ही, लेकिन अगले क्लिप में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के ग्राइंडर चलाते समय उसकी धारदार ब्लेड टूट गई और सीधी जाकर लगी उसकी आंख पर। खुशकिस्मती से वर्कर ने अपने फेस पर सेफ्टी ग्लासेस पहने हुए थे जिसके चलते ब्लेड उसके ग्लास में जाकर फंस गई और जनाब की आंखें सुरक्षित बची रह गई। खैर अगर हमारे दर्शकों में भी कोई इस तरह की मशीन के साथ काम करता है तो डीप इन्फो आपसे विनती करता है कि इन्हें चलाते समय सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। ये उपकरण आपको सुविधा के साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सितंबर 2014 के दौरान मिक रिली नामक अमेरिकन मूल का एक डाइवर नॉर्थ अमेरिका के सैंट क्लेयर नदी में डाइविंग करने के लिए पहुंचा, लेकिन मिक रिली इस बात से अनजान थे कि नदी काफी बड़ी है और इसमें समुद्री रास्ते से आने वाले बड़े बड़े जहाज भी गुजरती हैं। ऐसे में मिकी कुछ समय डाइविंग करने के बाद नदी में एक विशालकाय जहाज पहुंच गया जिसका प्रोपेलर मिक के ठीक ऊपर आ रहा था, लेकिन जनाब इतने खुशकिस्मत थे कि विशालकाय और तीखी ब्लेड्स उनके ऊपर से ही निकल गई। जानकारी के लिए बता दें कि ये विशालकाय ब्लेड से एक वयस्क व्हेल को भी बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार सकती है। ऐसे में मिक इसके चपेट में आता तो अंजाम आप सोच ही सकते हैं। नवंबर 2021 के दौरान इंडोनेशिया के कोमोडो नेशनल पार्क में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे एक ऐसे लकी हिरण को जो दुनिया के सबसे विशालकाय छिपकली कोमोडो ड्रैगन के ताकतवर जबड़े के अंदर तक जाकर वापस आ गया। क्लिप में आप देखेंगे कि एक कोमोडो ड्रैगन पानी में मौजूद जख्मी हिरण को दबोचने के लिए उसके पास जाता है और हमला कर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन हिरण उसके चंगुल से बचकर भाग निकला। इतना ही नहीं, हिरण का पीछा करते हुए कोमोडो ड्रैगन पानी में दूसरी जगह एक बार फिर से उसे दबोच लेता है। इस बार कोमोडो ड्रैगन का एक साथी भी हिरण का लजीज नाश्ता करने उसके पास पहुंच जाता है। अब हिरण की मौत तो पक्की थी, लेकिन वो कहते हैं ना
चाकू राखी साइया मार सके ना कोई। वैसा ही यहाँ हुआ। दोनों छिपकली को न जाने क्या दिमाग में आती है कि वो दोनों हिरण का पीछा छोड़ किनारे हट जाती हैं। अक्टूबर 2021 के दौरान इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन शहर के रहने वाले 60 वर्षीय ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर शेरोन कार्टर हल्की खराब मौसम में अपने एक स्टूडेंट को कार सिखाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद मौसम बिगड़ गया। अब शेरोन और उनके स्टूडेंट को बिल्कुल नए के बराबर दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में शेरोन ने अपने स्टूडेंट से कार रोककर एक जगह रुकने के लिए कहा। अब संयोग तो देखिए, शेरोन की गाड़ी रुकवाने के चंद सेकंड्स बाद उनके पीछे से लगभग 6 फुट साइज का एक विशालकाय फेंस हवा में उड़ते हुए आया और उन्हें बिना टकराए साइड से होते हुए निकल गया। संयोग सही सही, लेकिन यहाँ शेरोन ने गाड़ी जरा सा भी आगे रुकवाया होता तो अंजाम कितना भयानक हो सकते थे ये आप सोच ही सकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें दिखा गया कि घास से खचाखच भरा हुआ ट्रक वजन ज्यादा होने के चलते आगे से खड़ा हो जाता है और कुछ दूर आगे चलकर नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही ट्रैक्टर का एक टायर निकलकर हवा में उछल जाता है। गनीमत ये रही कि न तो ट्रक आसपास खड़े लोगों के ऊपर गिरा और न ही उससे उछला टायर। यह वाक्या उस समय देखने को मिला जब जुलाई 2011 के दौरान ग्रीस में चल रही रैली रेसिंग के दौरान फिनलैंड मूल के मशहूर रैली रेसिंग ड्राइवर मिक्को हिरवोवेन की कार का संतुलन बिगड़ गया और मिक्को की कार एक पेड़ से टकराने ही वाली थी, लेकिन मिक्को की ड्राइविंग स्किल्स और खुशकिस्मती से उन्होंने एकदम लास्ट सेकेंड में कार पर काबू पा लिया और पेड़ में टकराने से बाल बाल बच निकले। दिसंबर 2018 के दौरान रशियन मूल के टीवी चैनल आरटी की जर्नलिस्ट मारिया फिनोशिना रूस के बनाए नए बॉम्बर प्लेन टिपोलेव TU-160 के साथ वीडियो फिल्माने और रिपोर्टिंग करने वेनेजुएला पहुंची, जहां मोहतरमा रिपोर्टिंग करते हुए वन वे पर खड़ी हो गई। लेकिन प्लेन पास से गुजरने पर पता चला कि असल में कुछ ज्यादा ही करीब था, वो थोड़ी दूर भी खड़ी हो सकती थी। खैर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई और मारिया सुरक्षित रिपोर्टिंग करके अपने देश वापस लौट आई। इन जनाब से मिली जो सड़क पर बेफिक्र होकर चल रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि रेलवे कर्मचारी ट्रेन आते समय बैरियर को नीचे करना भूल गए और सड़क पर ट्रेन पहुंचने ही वाली थी। खैर ड्राइवर की सूझबूझ और खुशकिस्मती के चलते उसने ट्रैक्स पर पहुंचने से पहले गाड़ी को साइड में घुमा लिया और ट्रेन के आगे आने से बच निकला। अक्टूबर 2020 के दौरान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक शख्स अपने घर के बाहर खड़ी कार के नीचे घुसा हुआ उसे रिपेयर कर रहा था। इस दौरान उसकी कार अचानक से न्यूट्रल हो जाती है और कार पीछे की तरफ चलने लगती है। अब कार के नीचे मौजूद शख्स अभी भी वहां फंसा हुआ था और कार के साथ साथ घसीटते हुए पीछे जा रहा था, मगर खुशकिस्मती से जनाब समय रहते कार से छूट गए और सुरक्षित बच निकले। अप्रैल 2021 के दौरान रूस के इज़ैस्क शहर में दो महिलाएं स्टोर में पहुंची, लेकिन वे दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती हैं वैसे ही ऊपर से बालकनी में लगी शीट्स नीचे आकर गिरती हैं। अब संयोग तो देखिए, ऊपर से गिरी एक भी शीट उन दोनों में से किसी को भी टच तक नहीं किया और दोनों महिलाएं सुरक्षित बच निकली। इन मोहतरमा से मिली जो बैक फ्लिप मारते हुए पानी में जंप लगाती हैं और सिर्फ इसलिए बच निकलती हैं क्योंकि उसकी नाक जरा सी छूटी थी। अक्टूबर 2021 के दौरान वियतनाम के टीएन जाम प्रांत में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने गैराज के सामने बैठकर बाइक धो रहा था कि तभी उसके पास से गुजर रहा एक बाइक सवार व्यक्ति गैराज के गेट तले लगे डंडे से टकरा जाता है और गेट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। गेट सिर्फ हेलमेट से टकराया और जनाब सुरक्षित बच निकले। बाकी अगर इतना वजनी गेट उसके ऊपर गिरता तो अंजाम आप सोच ही सकते हैं। अब जरा इन जनाब से मिली जो बरसात के दौरान बाइक पर खड़े भीगते हुए शाहरुख खान की एक्टिंग करते हुए इंस्टा रील्स बना रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ ही दूरी पर बिजली गिरती है और महाशय का पूरा एक्टिंग का भूत एक बार में ही उतर जाता है। खैर गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। कुछ इसी प्रकार ये जनाबी कैमरा ऑन कर पूल में जंप करते हुए अपना वीडियो फिल्माने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने जैसे ही पूल में जंप लगाई वैसे ही उसे कुछ ही फीट दूरी पर बिजली गिरती है, मगर इन महाशय की किस्मत बिजली के झटके से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। मौत को छूकर टक से वापस आना कहावत सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी लागू होती है। इसी बात को साबित करती है जून 2020 के दौरान थाईलैंड के नाकोन सीथमारत शहर में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप, जिसमें देखा गया कि कुछ रेस्क्यूअर्स अपने बचाई हुई एक मॉनिटर लिजर्ड को जंगल में छोड़ने के लिए आते हैं और जैसे ही पिंजरा खोलते हैं वैसे ही मॉनिटर लिजर्ड वापस अपनी मौत को न्योता देने सड़क की तरफ भागने लगती है। अब मॉनिटर लिजर्ड के साथ सड़क पर एक कार भी पहुंची, लेकिन खुशकिस्मती से मॉनिटर लिजर्ड ने हवा से बस अपना संतुलन खोया और सड़क पार करने में सफल रही।
मई 2021 के दौरान जर्मनी मूल के मशहूर एथलीट और पार्कर साइमन बी रनर तालाब के बीच मौजूद दो डॉग्स पर खड़े होकर बैक फ्लिप लगा रहे थे। जनाब बैक फ्लिप लगाकर एक से दूसरे डॉग पर पहुंचने में सफल तो रहे, लेकिन लैंडिंग के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया। मगर साइमन की किस्मत तो देखिए, वो संतुलन बिगड़कर पानी में गिरने के बजाय वापस पिछले डॉग पर ही पहुंच गया और बस झूले खाकर पानी में गिरने से बच निकला। कुछ इसी प्रकार स्केटबोर्ड के साथ स्टंट कर रही है मोहतरमा भी लैंडिंग के समय बोर्ड की छोर पर पैर रख बैठी, लेकिन गिरने से पहले फ्लिप मारकर सुरक्षित बच निकली। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि एक विशालकाय एनाकोंडा एक किसान के गायों के तबेले में घुसकर एक गाय को पकड़ लेता है और उसे साबुत निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जनाब की किस्मत में खाना नहीं लिखा हुआ था। किसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ ही समय में गाय को सुरक्षित बचा लिया और एनाकोंडा को दूर जंगल में छुड़ा दिया। हवन करते हुए हाथ जलने की कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अगली क्लिप में आप इससे जुड़ी एक घटना भी देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग मिलकर एक खड्डे में गिरी गाय को बचाने में जुटे हुए थे, लेकिन गाय जैसे ही खड्डे से बाहर निकलती है वैसे ही आसपास खड़े लोगों पर हमला करने के लिए उनका पीछा शुरू कर देती है, लेकिन सौभाग्य से कोई भी हताहत नहीं हुआ और गाय भी सुरक्षित बच निकली। अब जो क्लिप्स आप देख रहे हैं उन्हें देख आपको लग रहा होगा कि पानी में मौजूद लोग खुशकिस्मत थे जो पानी में सांड हमला करने कूदने के बावजूद भी सही सलामत बच निकले। खैर सांड से बच रहे लोग खुशकिस्मत तो हैं, लेकिन स्पेन में ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ना बड़ा ही आम बात है। बोस आलामार नामक एक फेस्टिवल के दौरान स्पेन के लोगों के साथ साथ दुनिया भर के टूरिस्ट इन फेस्टिवल में भाग लेने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए यहाँ आते हैं। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक लकी बतख अपनी मौत यानी मगरमच्छों के सर पर बैठकर भी जिंदा बचकर आ गई। अब जरा बुल रेसिंग देखने आए इन लोगों से भी मिल लीजिए, जो रेस के बाद सड़क पर खड़े एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे कि तभी उनके पीछे से एक कूल बैल अचानक से सड़क पर भागते हुए पहुंचा। देखिए कैसे उनमें से एक बैल ने उछलकर वहां मौजूद एक व्यक्ति की जान बचाई। उम्मीद है वीडियो का पार्ट 7 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 8 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।